नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अपराध शाखा सेक्टर 17 गुरुग्राम की पुलिस ने भारी संख्या में अवैध हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को हथियारों के जखीरे समेत काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपी अलीगढ़ यूपी से अपने अन्य साथी को गुरुग्राम में हथियार सप्लाई करने आया था। पुलिस की मुस्तैदी के कारण सप्लाई करने से पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इस आरोपी के कब्जे से 25 देसी कट्टे, 2 कारतूस और 1 बैग बरामद किया है। पुलिस आयुक्त तो गुरुग्राम में अवैध हथियार, अवैध नशीले पदार्थ रखने और सप्लाई करने वालों के खिलाफ तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए उनको काबू करने के विशेष आदेश और दिशा निर्देश जारी किए थे। राजीव देशवाल IPS पुलिस उपायुक्त अपराध गुरुग्राम के निर्देशन में और प्रीतपाल ACP क्राइम गुरुग्राम की देखरेख में निरीक्षक नरेंद्र चौहान प्रभारी अपराध शाखा सेक्टर 17 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने अवैध हथियार रखने वालों और सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपने विश्वसनीय सूत्रों की सहायता और अपनी कुशल कार्यप्रणाली समझ बूझ से गुरुग्राम में अवैध हथियार सप्लाई करने आए इस आरोपी के नज़दीक पंचगांव चौक NH8 गुरुग्राम से भारी मात्रा में अवैध हथियारों समेत काबू किया। आरोपी की पहचान 20 वर्षीय अभिषेक उर्फ गब्बर उर्फ कालू पुत्र चरणपाल निवासी गांव बुढ़ा किशनगढ़ी थाना गांधी पार्क जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। गुरुग्राम से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। ये NCR में जो हथियार सप्लाई करने की इन्फॉर्मेशन सीक्रेट थी हमारे पास, उसी के तहत जो है ये ऑपरेशन किया गया, जिसको लीड किया है श्री प्रीतपाल, हमारे ACP क्राइम फर्स्ट हैं गुड़गांव के। इनके साथ टीम रही है सेक्टर 17 की और मानेसर के पास से इन्होंने इसे काबू किया है इन हथियारों के समेत। इसका नाम अभिषेक उर्फ गब्बर है, इसके फादर का नाम है चरणपाल, निवासी गांव बूढ़ा किशनगढ़ी थाना गांधी पार्क जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का, 20 साल उम्र है, 10th तक ये एजुकेशन लिया है इसने। और इस ऑपरेशन को जैसे डिटेल है जो आप जानना चाहते हैं उसके बारे में ACP प्रीतपाल साहब खुद बताएंगे। इसको कल काबू किया है, पर्चा दर्ज कर चुके हैं और इसके बाद आगे पहले कहां कहां सप्लाई होती रही और अब क्या होना था, इस बारे में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ें आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। सर, कितने हथियार इनसे बरामद हुए हैं? कुल हथियार 25 हुए हैं, 2 लाइव कार्टेजेस हैं जो लोड था, 1 हथियार जो इसके खुद के पास था, बाकी इसके इकट्ठा बल्क में लिए हुए था। सर, कहां से लेकर आया था ये सभी हथियार? अभी तक की पूछताछ में जो आया है वो UP से हथियार आए हैं, डिटेल में अभी पता लगेगा इंटरोगेशन में। किसको सप्लाई करने थे इसने गुड़गांव में, क्या किसको पता लग पाया? वो भी अभी मैंने जैसा आपको बताया कि डिटेल इंटरोगेशन के बाद ही पूरी मॉडस ऑपरेंडाई का पता लगेगा, हम आपसे शेयर करेंगे इस बारे में। अकेला ही ये शामिल था या फिर कुछ और लोग इसमें शामिल होंगे? नेचुरली और लोग भी शामिल होंगे, अकेला आदमी शायद इतना काम नहीं कर सकता। सर, इसका बैकग्राउंड पता लग पाया है? जितना पता लगा है और बताने लायक था मैंने बता दिया, मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ज़्यादा डिटेल्स जो हैं हम सारे फैक्ट्स और सारी एविडेंसेस सामने आने पे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।